और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष जी हमें कॉल कर रहे हैं देवबंद से। सुभाष जी, आपके साथ किस तरह की परेशानी है विस्तार में बताएं और उम्र भी जरूर बताएं। हाँ जी नमस्ते जी, बोल नमस्ते जी। जी आदाब। आपको आदाब। जी आदाब। बस जी ऐसा, हमारी पुत्र 40 साल की माइग्रेन है जी, माइग्रेन है। अच्छा, क्या दवा लेते हैं उन, वो जब माइग्रेन होता है तो कौन सी दवा लेते हैं, कुछ जानते हैं आप? अजी दवाई अंग्रेजी चल रही लेकिन लाभ कुछ। अच्छा देखिए, अक्सर तो लोगों को माइग्रेन नहीं होता, तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर कोई भी दवा, दर्द निवारक दवा, जो आम दवाएं सभी जानते हैं, वो लेने से अगर उनका दर्द ठीक हो जाता है तो वो माइग्रेन नहीं बल्कि सर्वाइकल होता है। और उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपकी पुत्र वधू को, वो अगर आप समझा दें उन्हें या देख रहे हैं वो प्रोग्राम, तो समझ लें कि ये देखिए, कान कंधे से मिलाना है, ऐसा ये 3 मिनट तक रोज़ाना करें, एक एक मिनट करके, चाहे 3 बार में करें, एक साथ कोई नहीं कर सकता। और ऐसे 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 3 मिनट किया करें और फिर देखें आपके क्या फ़र्क पड़ा। अगर रोज़ दर्द होता था तो क्या वो 2-3 दिन में होने लगा, जब 2-3 दिन में होता था क्या 2 हफ्ते में होने लगा, ये ज़रूर करें। और जो दवा खाते हैं खाते रहिए, दोबारा से फ़ोन करिए आप 10 दिन बाद, अगर से फ़र्क पड़ेगा तो मैं समझ जाऊँगा कि माइग्रेन है या नहीं है। जी, और अपने तमाम दर्शकों के लिए ये भी बता दें कि यूनानी पद्धति की जो दवाएं होती हैं उनका असर काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना होता है। कई कॉलर्स हमें कॉल करते हैं कि 7 दिन से दवा ले रही हैं, 8 दिन से दवा ले रही हैं, लेकिन हकीम साहब जैसा बताते हैं कि धीरे धीरे आपको असर दिखना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि जो भी दवाई या जो भी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल आप कर रही हैं वो शुद्ध होना चाहिए। अगर आपको भी उसकी आवश्यकता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आप अपने स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं, जहां पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक और दर्शक हैं, सुमन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीकानेर से हमें कॉल किया है। सुमन जी स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न कर सकती हैं आप। हेलो सुमन जी, प्रश्न कीजिए। हाँ मैं अपने बच्चे के लिए पूछ रही हूँ। सवाल करें। बच्ची को 2 साल से खांसी आ रही है जी, आती है तो 5-10 दिन से लगातार आती है, हल्की सी खांसी आती है, खसखस से जाती है। एज कितनी है उनकी, आयु? 26 वर्ष। 26 वर्ष, ठीक है। आती है, खांसी आती रहती है और लगातार खांसी रुकती नहीं है, और 26 वर्ष उम्र है तो इम्यून सिस्टम भी ठीक होना चाहिए शायद। हाँ देखिए, जिसको भी 15 दिन से ज़्यादा खांसी आए उनको चाहिए कि एक बार टीबी का टेस्ट जरूर करा लें, और मैं दुआ करूँगा कि ना हो टीबी और खाली एलर्जी हो, और लेकिन कराना ज़रूरी है, थूक की जांच भी कराने। और एक तो ये, दूसरा ये कि एक घरेलू नुस्खा भी जब आपने फ़ोन किया है तो मैं बता देता हूँ। और देखिए, सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम और 30 ग्राम जो आपके किचन में पीपलें होती हैं गरम मसालों में, 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बना लें और एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से दें और 5 बार गर्म पानी पिलाएं। और दवा के तौर पर अगर चाहते हैं तो माजून आर केयर भी एक एक चम्मच सुबह शाम खिलाने से बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। जी, एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, किशोर जी ने हमें कॉल किया है जबलपुर से। किशोर जी क्या परेशानी है आपके साथ बताइए। जी मैडम जी, मैंने अभी बोन मोनिका मंगाया है जी। मैडम जी के हाथ पैर में तकलीफ है, को कमर में जी, और मेरे लाल से कट्टा पड़ते हैं। हाँ देखिए, सुन लीजिए, गौन मैडम जी के लिए गौन मोरिंगा नहीं, गौन स्याह बेहतर है। गौन स्याह दर्द के लिए गौन स्याह लीजिए, आधा आधा ग्राम सुबह शाम, और
आपके जो लाल चकत्ते पड़ते हैं उसके लिए ये आप गौन मोरिंगा लें, आधा आधा ग्राम सुबह शाम। ये गौन मोरिंगा सफ़ेद आपके लिए है और आपकी देवी जी के लिए गौन स्याह है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो जवाब दें कि आपके पास कौन सा गौंद है। आप हमें सुन पा रहे हैं किशोर जी? हाँ जी, हाँ सुन रहे हैं ना जी। हकीम साहब आपसे प्रश्न कर रहे हैं जी। हकीम साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास गौन मोरिंगा है या गौन स्याह है? नहीं, मैंने आर्डर दिया है आपके यहाँ, 5-6 दिन हो गए हैं। अच्छा, आया नहीं है? हाँ अभी आया नहीं है, और उनने जो जो लाल चकत्ते के लिए दवाई वो भी भेजी है उनने, यानी 3300 रुपये दिए हैं। ठीक है ठीक है, तो आने दीजिए। और आपकी देवी जी के लिए आधा आधा ग्राम गौंद स्याह, एक काला गौंद होगा जो, उसे पाउडर बना के आप आधा आधा ग्राम सुबह शाम खिला सकते हैं, तो वो आपकी देवी जी के लिए। और दूसरी दवा आपके लिए पहले आने दीजिए, फिर आप बात कर लेना। और उस पर एक नंबर भी होता है, हेल्पलाइन नंबर, आप उससे कभी भी मदद हासिल कर सकते हैं जी। एक और दर्शक है, महावीर जी ने हमें कॉल किया है। महावीर जी स्वागत है, प्रश्न पूछ सकते हैं आप, क्या समस्या है आपके साथ? प्रोस्टेट के बारे में पूछ रहा था जी, बचाव कारण और उसके दवाई। किसके बारे में पूछना था? गदूद, गदूद, प्रोस्टेट जी, प्रोस्टेट के बारे में जानकारी चाहते हैं। अच्छा, देखिए शायद आपने अभी प्रोस्टेट के बारे में पूछा था या गले के गदूद के बारे में पूछा था। देखिए, हमारे जिस्म में हर जगह गदूद होते हैं, प्रोस्टेट भी एक गदूद है, जो पेशाब की परेशानी जब हमारे बढ़ती उम्र के लोगों को, कुछ परसेंट लोगों को होती है, पेशाब मुश्किल से आता है, गदूद बड़े हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, तो पेशाब में परेशानी होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग ऑपरेशन करा देते हैं। ऑपरेशन के बगैर भी इसका इलाज है, और ये 50% लोगों को ये परेशानी होती है बढ़ती हुई उम्र में। तो इसके लिए बहुत आसान नुस्खे भी हैं। गौंद मोरिंगा अगर आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर पिया जाए तो प्रोस्टेट की तकलीफ ठीक होना मुमकिन है। गौंद मोरिंगा सफ़ेद और कैप्सूल पी के लिया जाए तो इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है कार्यक्रम में, नाम बताएं। तो मेरा नाम तो राजकुमार है जी। राजकुमार जी स्वागत है, सवाल करें। मेरी वाइफ की उम्र 55 वर्ष है, और पैर में झुनझुनी और दर्द रहता कमर से जी। राजकुमार जी, आम बात है, ये दर्द आम है, कभी आपको हो गया, कभी आपकी पत्नी को हो गया, और ये दर्द बड़ा अजीम है जो हमें और आपको जोड़ता है। देखिए, दर्द की दवाएं जब बेअसर होने लगें, जो भी दवाइयां, जो भी इलाज हम करते हैं, तो फिर आखिर में हमें यूनानी की तरफ आना ही पड़ता है। यूनानी एक ऐसा तरीका इलाज है जिससे हम बेशतर ठीक हो जाते हैं। अक्सर मैं एक गौंद बताता हूँ जो जायके में बड़ा कड़वा, देखने में बड़ा बदसूरत, काला सा, ब्राउन सा, लेकिन फ़ायदे में विश्व भर में मशहूर है, मिलता ज़रा मुश्किल से है और नकली भी बहुत मिलता है। इसे कहते हैं गौंद स्याह, काला गौंद। ये ले लीजिए, 100 ग्राम खरीद लें, किसी तरह असली पाउडर बनाएं और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खिला दें अपनी पत्नी जी को, और आप देखेंगे कि ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है जी। हकीम साहब, जो यूनानी पद्धति की दवाइयाँ होती हैं, क्या उनके साथ परहेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? ये परहेज तो बिल्कुल भी नहीं होता जी, लेकिन अब जैसे किसी के पैर में चोट लगी है तो डॉक्टर कहता है कि भाग के मत चलना, एहतियात करना जी। भाई यही परहेज है। किसी को नज़ला हो रहा है, खांसी हो रही है, तो आज डॉक्टर कहता है कि ठंडी चीज़ें मत खाना, खट्टी चीज़ें मत खाना, तो यही बस परहेज है। जैसे
किसी कमर में या घुटनों में दर्द है तो हम कहते हैं कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना, तो ये तो कोई परहेज भी नहीं हुआ जी, ये एहतियात हुई। हमें ये बताना ज़रूरी होता है कि अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट के बगैर अगर अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे तो आपकी तकलीफ बहुत दिन में जाकर ठीक होगी। वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में होगा तो आप जल्दी से ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारा बताना ज़रूरी है, सामने वाला अमल कर रहा है या नहीं कर रहा ये उसकी जिम्मेदारी है। वाकई में एक और दर्शक हैं, दीपिका जी ने हमें कॉल किया है बनारस से। दीपिका जी पूछें सवाल। जी, मेरा एक बच्चा है 4 साल का जी, वो अभी बोलता नहीं, मतलब बोलता है लेकिन कम से कम में बोलता है, और जो बातें हम समझाना चाहते हैं वो समझता नहीं जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कोई मतलब मानसिक बीमारी है इसको, इसका कोई घरेलू इलाज है? बिल्कुल, 4 साल का बच्चा है और मदर बहुत परेशान है। हाँ, मुझे तो इसकी मम्मी बहुत छोटी उम्र की लग रही है आवाज़ से, और माँ है तो फिक्र तो होनी ज़रूरी है, वो भी भारतीय माताएं तो बस सबसे अलग हैं। जब तक बच्चा नॉर्मल नहीं होगा तड़पती रहेंगी, तो अभी तो सब्र करिए, कुछ बच्चे देर से भी होशियार होते हैं, और उनके जिस्म में जो सब जांच करा लेंगे, खून की कमी, कैल्शियम कमी, जो भी कमियां होती हैं वो डॉक्टर एक बार चेक करेगा बता देंगे। और एक नुस्खा भी बता देता हूँ, अखरोट तो आप जानते हैं, साबुत अखरोट लाइए, छिले छिलाए नहीं, और एक अखरोट रोज़ाना उसे तोड़ के खिलाएं, और 5 किशमिश के साथ खिलाया करें रोज़ाना रात को सोते समय, आपका बच्चा का ठीक होना मुमकिन है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हकीम साहब ने जो नुस्खा बताया, दवाई बताई, उसे आपको ज़रूर अपनाना है। निमरत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, करनाल से हमें कॉल किया है। निमरत जी, क्या परेशानी है आपके साथ? 8 साल की बच्ची है, फुर नहीं रही। 8 साल की बच्ची है, बहुत कदमा भी छोटी, अरे कदमा पतली है जी। जी बिल्कुल, 8 साल की बच्ची है, कदमे छोटी है, और शायद सेहत भी नहीं बन पा रही है। बहुत ख्याल रखिए उनका, और एक नारियल पानी रोज लें और वो गिलास में निकालें, और अगर गौंद मोरिंगा सफ़ेद मिल जाता है असली वाला तो इसको पाउडर बना के रखिए, और आधा ग्राम इस नारियल पानी में मिला के रोज़ एक बार पिला दिया करिए, आपकी बच्ची का कद भी बढ़ना मुमकिन है और सेहत भी बनना मुमकिन है। जी, सुमन कुमार गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से हमें कॉल किया है। सुमन जी बताएं, किस तरह की परेशानी है आपके साथ? मेरे पेट में बहुत पहले कब्ज हो गया था, मतलब कि बवासीर हो गया था जी, फेस्टूला 5-6 वो फेस्टूला टाइप का जाम हो गया, और पेट कब्ज रहता और जैसी क्लियर नहीं होता जी। एज कितनी है आपकी और क्या काम करते हैं आप? फुटवेयर की दुकान है जी। ठीक है, बैठने का काम ज्यादा है? नहीं नहीं, बैठने का काम नहीं है, जबकि हम लोग 20-18 घंटा खड़े रहते हैं जी। बिल्कुल, हाँ देखिए ये मर्ज हो गया तो पहले अपने घर में खानों में थोड़ा सा परिवर्तन करके देख लीजिए। अपने घर के खानों में अक्सर महिलाएं इतनी सी अदरक डालती हैं, ज़रा सी, इतना इतनी लहसुन, तो इतना लहसुन और इतनी अदरक डालें, इससे भी हमारा पेट ठीक रहने लगता है और बहुत फ़ायदा करता है, हजम भी ठीक होने लगता है, लैट्रिन भी ठीक होने लगती है। और 5 बार गर्म पानी पिया करें, 5 बार खूब गर्म पानी, इससे भी हम ठीक हो जाते हैं, और पैदल भी हमें चलना चाहिए। खैर आप तो मेहनती आदमी हैं, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं, अगर फिर भी नहीं हो तो मेथी लीजिए 500 ग्राम, और 100 ग्राम नमक जैतून आता है, ये जैतून का रसायन कहते हैं इसको, ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमक नमकीन नहीं होता, ये 100 ग्राम लेकर 500 ग्राम मेथी के साथ पाउडर बनाएं, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी से ले लिया करें,
आधा चम्मच से एक चम्मच तक ले सकते हैं। आधा आधा चम्मच से शुरू करें, उसी से फ़ायदा होने लगे तो एक चम्मच लेने की ज़रूरत नहीं, दो बार लीजिए तो आपको स्वस्थ होना मुमकिन है।